सिद्धार्थनगर जिले के मिसलौलिया पुलिस एवं एसओजी की टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने जिले में सक्रिय अंतरजनपदीय बहेलिया गैंग के 6 सदस्यों को पकड़ा, जो कि बसों एवं घरों में चोरी करते थे। पुलिस ने इस गैंग को मिसलौलिया थाना क्षेत्र के मधवापुर पुल के पास से गिरफ्तार किया है। इस गैंग का खुलासा पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन चारों के पास से सोने चांदी के आभूषण, 3,500 रुपए नगद, 6 मोबाइल, 2 देसी तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, चाकू बरामद हुआ है। इस गैंग के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा एसपी ने यह भी बताया कि ये गैंग नाखून में माइक्रो ब्लेड लगाकर जेब काटता था। जो भी सामान बैग उठाते थे उन्हें मास्टर चाबी से खोलते थे। मास्टर चाबी भी इनके पास से बरामद हुई है। ये गैंग मैनपुरी फरुखाबाद जिले के रहने वाले हैं और जिले में ये इटावा क्षेत्र में किराए पर कमरा लेकर रहते थे और एक जिले से दूसरे जिले में यही कार्य करते थे। पकड़ने वाली टीम को लेकर 25,000 का इनाम की घोषणा की गई है। मिसरौलिया में मधवापुर के पास में मिसरौलिया की पुलिस, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम के द्वारा एक गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मैनपुरी के फरुखाबाद के रहने वाले हैं, पहलिया जाति को बिलोंग करते हैं और ये लोग बसों में और अन्य जो वाहन हैं इस प्रकार के जिसमें सवारी चलती हैं उनमें बैग से चोरी करते हैं, घरों में घुस के चोरी करते हैं। इस तरीके के गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें हमारे जनपद में थाना सिद्धार्थनगर में, थाना चिलिया में, थाना डेबरवा में इस तरीके की घटनाएँ पूर्व में हुई हैं चोरी की और बसों में चोरी की, बैग चोरी की। उनका अनावरण किया गया है और उसमें जो चोरी हुई संपत्ति थी, जो सोने की चांदी की संपत्ति और इत्यादि संपत्ति थी, वो इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा ये लोग जो ब्लेड लगाते थे उंगली में, फेविक्विक से ब्लेड को चिपका लेते थे उंगली में और उससे बैग को काटते थे, वो ब्लेड भी बरामद हुए हैं। जिन बैग को ये नहीं काट पाते थे उनके लिए इन लोगों ने मास्टर चाबी बना रखी थी। मास्टर चाबी से उन बैगों का लॉक खोल के चोरी करते थे। ऐसी मास्टर की भी इनके पास से बरामद हुई है। बहुत ही शातिर गैंग है और अगल बगल में भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि घटनाएं अगल बगल के जिलों में भी बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर इन्होंने की हैं। इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। ये भी इनके द्वारा बताया गया है कि इनके गाँव के काफ़ी लोग इस तरीके की घटनाएँ करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के, उत्तर प्रदेश से बाहर भी घूम के। महत्वपूर्ण गैंग है, इसे गैंग को जनपद में रजिस्टर्ड कराया जाएगा और मुख्यालय को भी इसकी जो क्रियाकलाप है उसके बारे में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।